जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय को लेके हम लोग मौजूद हुए हैं फिर से आप लोगों के बीच में कि बाबा साहब को बहुत कम ऐसा देखा गया कि उन चेहरे पे हंसी कम थी, वो खिलखिला के कम हंसते थे क्योंकि बहुत सारे उनके ऊपर प्रभार थे, बहुजन समाज की जिम्मेदारियाँ थी। तो ऐसा कौन सा मौका था जिसके बाद वो खिलखिला के हंसे, ऐसा कौन सा ऐसा मौका आया? तो मैं मास्टर सुरेश चंद्रा जी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर सुरेश चंद्रा जी और इस विषय पे जानकारी लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि बाबा साहब कब खिलखिला के हंसे। तो मैं स्वागत करता हूँ सम्यक इंडिया टीवी में, स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धा। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और मैं तो इस बात पर और साधुवाद मैं करूँगा कि कम से कम ऐसी पावन पवित्र जगह पर जो बाबा साहेब की ज़िंदगी से पूर्णतः लबालब भरा है, पावन पवित्र समता बोध विहार पर, और जो विषय आपने छांटा है वो भी चिंतन मनन के लिए बड़ा ही सर्वोपरि है। और यदि वो जान लिया, समझ लिया, तो बहुजनों के लिए एक कल्याणकारी सबक होगा। बाबा साहेब क्या कभी ज़िंदगी में मुस्कराए? मुस्कराए तो क्या मौका रहा होगा? तो मेरे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, विद्वान साथियों, ये बात पूना पैक से कहीं संबंधित हो जाती है। जब पूना पैक में और कम्युनल अवार्ड में और जो इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935, इनमें जब शिक्षा का अधिकार मिल गया, नौकरियों का भी अधिकार मिल गया, और पूना पैक्ट के चलते चलते बाबा साहेब वोट का अधिकार भी ले आए। यद्यपि बाबा साहेब ने तो डबल वोट के राइट की मांग की थी, और यदि वास्तव में आप कहीं डबल वोट के राइट की बात समझ जाओ तो आज भी आप लोग गांधी और गांधीवादी लोगों के प्रति आक्रोशित हो जाओगे, क्योंकि गांधी जी ने वो बात नहीं मानी। यरबदा जेल में जाकर के अनशन पर बैठ गए, उनकी पत्नी, उनके बेटे और तत्कालीन कांग्रेस के जो नेता थे उन लोगों ने बाबा साहेब को मनाया, समझाया, और यदि मैं कह दूं तो कुछ लोगों ने तो बाबा साहेब को उस दौरान डरावने पत्र भी भेजे। और यही नहीं, खून से लिखे हुए पत्र भेजे कि जिनके लिए आप ये डबल वोट के राइट की बात कर रहे हो, हम उस समाज को, आपके समाज को तहस नहस कर देंगे। तब बाबा साहेब कुछ झिझक के सोचा उन्होंने कि जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ अगर वही न रहे तो मेरे इस संघर्ष का लाभ भी क्या होगा। तब बाबा साहेब कुछ इन लोगों के बहकाने में, बहलाने में, मनाने में, समझाने में और मानवीय आधार पर गांधी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ रजामंद हो गए, और उन्होंने डबल वोट के राइट की बजाय एक ही सिंगल वोट के राइट पर मान गए। लेकिन जब ये प्रक्रिया चलने लगी तो 1956 में तो बाबा साहेब ने भी कहा कि इस पूना पैक्ट को हमें रद्द कर देना चाहिए। उसकी चिंता भी उनको यही थी कि जो मैं सोच रहा था कि दोहरे मतदान की यदि हमको अधिकार मिल जाता है तो
तो उसमें मेरा समाज उन लोगों का गुलाम नहीं रहेगा जिनका सदियों से वो गुलाम रहा है, क्योंकि डबल वोट के राइट में ये व्यवस्था की जानी थी। परिपत्र इस तरीके से तैयार किए गए थे कि एक उस तरह के क्षेत्र होंगे, इस तरह के चुनावी क्षेत्र होंगे जहां पर केवल मात्र उस दौरान के अछूत, आज के दलित और उन दोनों के बीच में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग केवल अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे, और उन कैंडिडेट को जो मेरे समाज के होंगे, हमारे बीच के लोग होंगे, उनको इन लोगों के मनवादी लोगों के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, उनके हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। और जब दूसरे वोट का अधिकार मिल जाने पर जब उसका प्रयोग करेगा समाज, तो यही मनवादी लोग, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग आपके दर पर आएंगे, आपके यहाँ आकर के खुशामद करेंगे, वोट मांगेंगे। हमारी बहन बेटियों को, जिनको ठीक निगाह से नहीं देखते हैं, सम्मान की निगाह से नहीं देखते हैं, उनको सम्मान की निगाह से देखेंगे, उनके मंदिरों के दरवाजे खुल जाएंगे, तालाब के पानी उमड़ आएगा अपने आप, बहुत बड़ा भाईचारा होगा, छुआछूत अपने आप खत्म हो जाएगी, और ये लोग वोट के लालच में नातेदारी करेंगे, रिश्तेदारी करेंगे। तो इतना डबल वोट के राइट में ताकत थी, लेकिन तुम जानो या मत जानो, ये मनवादी मानसिकता के लोग जो आपसे सदियों सदियों आगे रहे हैं, बाबा साहेब तो जानते थे, उनकी मानसिकता को जानते थे, तभी उन्होंने बहुत विरोध झेला, आपकी खातिर झेला, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी बाबा साहेब तटस्थ रहे और डबल वोट के राइट पे अड़े रहे। मोहम्मद अली जिन्ना और लोगों ने भी हमारा इस मामले में समर्थन किया कि हाँ होना चाहिए ऐसा, लेकिन जो लोग इस बात से वाकिफ थे, चाहे मदन मोहन मालवीय रहे हों, बाल गंगाधर तिलक रहे हों, और अनेकानेक देशमुख हैं, बनर्जी हैं, ये सारे लोगों ने गांधी जी को ये सारी बात बता करके, समझा करके, और इस बात पर विरोध कर दिया डबल वोट के राइट पर। क्योंकि आज भी आप लोग देख रहे होंगे, भले ही आपके पास आज एक वोट का राइट है, एक वोट डालते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, आप अगर मान लीजिए कहीं गांवों से वास्ता रखते हैं, तो आज भी जो मेरा बुजुर्ग है, मेरा बूढ़ा आदमी है जो चल फिर नहीं सकता है, और यदि वो झाड़ू लगा रहा है, मेरी बहन बेटी कहीं गोबर आदि का काम कर रही है, परिवार के काम कर रही है, तो आज भी वोट के लिए वे ब्राह्मणवादी लोग, वे गांधीवादी लोग, वे मनवादी लोग आज भी आकर के मेरे उस बुजुर्ग के पैर छूते हैं, और वही गोबर मिट्टी का सना हुआ हाथ अपने सिर पर रखवाते हैं और बोलते हैं कि बाबा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जीत जाऊं। कब जीतेगा वो? जब उस बाबा की वोट उसके लिए पड़ जाएगी। तो तुम जानो या मत जानो अपनी वोट की कीमत, लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि जब एक वोट से इतना हो सकता है, तो डबल वोट से तो और भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन बाबा साहेब को धमकी दी गई, बाबा साहेब को डराया गया, खुशामद भी की गई, लोग उनके पास आए और उनको यरदा जेल में बैठ करके पूना पैक्ट करा दिया गया,
समझौता करा दिया गया। किस बात पर समझौता करा दिया गया कि जब दोनों का वार्तालाप हुआ तो गांधी जी ने जब ये पूछा कि अंबेडकर तुम बस मेरी एक बात मान लो, बाद बाकी बातों को मैं मान लूँगा, तुम जन्म से अछूत हो, मैं मन से अछूत हूँ। तो बाबा साहेब उस बात पर कुछ सोचने लगे, तब पूछा कि क्या चाहते हो बताओ। तब उन्होंने केवल मात्र ये बात तो स्वीकार कर ली कि आपके लिए राजनीतिक जो रिजर्वेशन होगा वो रहेगा, विधानसभा क्षेत्र होंगे, लोकसभा क्षेत्र होंगे और चुनावों से संबंधित जितने भी क्षेत्र होंगे वो रिजर्वेशन तो रहेगा, लेकिन दो वोट वाले अधिकार की बात छोड़ दो, उस पर जिद मत करो, एक वोट से ही आप मान जाओ। उसी दौरान जब उनको चिट्ठियां ऐसी आने लगीं, डरावनी चिट्ठियां आने लगीं, तो बाबा साहेब अंतिम क्षणों में इस बात पर मान गए, जिद छोड़ दी और उन्होंने ये सोच लिया कि मैं अपने समाज को समझाऊंगा, और उन्होंने समझाया भी और उन्होंने कहा कि मैं एक वोट के अधिकार से ही इन लोगों को मजबूर कर दूंगा कि मेरे समाज के चरण स्पर्श करेंगे, और आज ऐसा मौका है। और ये उसी बात पर तो मनवादी लोग आपसे ईर्ष्या मानते हैं, वो क्या है कि जब वोट पड़ती हैं तब आप लोगों को कितना आनंद आता है, वो एक अलग बात है कि आज के टाइम में आप लोग उस वोट के अधिकार का कहीं दुरुपयोग कर जाते हैं अज्ञानता बस। और बाबा साहेब ने तो बहुत पहले कह दिया था, उन्होंने तो ये कह दिया था कि मेरा समाज सदियों से भूखा है, और उन्होंने कड़वा शब्द इस्तेमाल किया कि मेरा समाज सदियों से भूखा है, कुत्ते की माफिक है, जिधर हड्डियां मिल जाती हैं उधर चला जाता है। ये बात बाबा साहेब ने आप सभी के लिए तो नहीं कही, लेकिन उस दौरान तत्कालीन जो व्यवस्थाएं थीं, समाज की मजबूरियां थीं, उस समाज उस दौरान के हालातों को देखते हुए उन्होंने अपना मन दुखी मन से ये बात जरूर कही कि शायद कहीं मेरे समाज को कुछ बात चुभे तो वो कुछ इन बातों को छोड़े। और तभी उसमें चलते चलते जब लोकसभा चल रही थी और संसद के प्रांगण में बाबा साहेब मौजूद थे, उधर जब इन ब्राह्मणवादी नेताओं ने बाबा साहेब के चेहरे पर उस दिन थोड़ी मुस्कान थी, ये जो अभी हमने कहा कि भाई खिलखिला करके हंसे, बाबा साहेब को कभी खिलखिला कर हंसे पूरी जिंदगी नहीं आई, वो हर समय आपके कल्याण के लिए चिंता ग्रस्त रहे, हर वक्त चिंतित रहे। और उसी तरीके से वो लोग बाबा साहेब और लोगों को देखते हुए अपने समाज के कल्याण की बात करते रहे, उसको व्यवहारिक रूप देते रहे। तो जब बाबा साहेब से ये बात कही कि भाई आज अंबेडकर बहुत खुशी नज़र आ रहे हो, क्या बात है, तब बाबा साहेब ने कहा था कि आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने जो संविधान में लिखा है, अगर उन सारी बातों को मेरे समाज के लोग जान गए, उन्होंने पढ़ लिया, उसको समझ लिया और उस पर चलना शुरू कर दिया, तो आज से ठीक 40 साल बाद मेरा समाज इस देश में मेरा वंशज शासक होगा। हालांकि ये बात जब मैं आपको याद दिलाऊं तो ये बात तो मार्च 1956 की हो जाती है, लेकिन जो हंसी की बात है वो उससे पहले की है। तो उन्होंने तब तक तो केवल इतना ही कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने संविधान में लिखा है, अगर वो बातें मेरे समाज ने जान ली, समझ ली और उन पर चलना शुरू कर दिया, तो ये मनवादी लोग जितने ये नेता बन रहे हैं, ये सारे के सारे लोग
मेरे समाज को सम्मान देना शुरू कर देंगे। उसी के लिए तो मैंने अब तक ये संघर्ष किया है कि मेरे समाज को सम्मान मिले, वो स्वाभिमानी बन जाए। और जो मैंने अभी ये भी जिक्र किया आपको कि जब उन्होंने ये बात कही मार्च 1956 में, वो उसी आधार पर कही, और वो बात ऐसे नहीं कह दी थी, बड़ी विचित्र परिस्थितियों में कहा, आगरा में कहा कि जब मेरे समाज के लोग वोट के अधिकार को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, जिसके लिए मैंने संघर्ष किया है, अगर उस पर चलना शुरू कर दिया और अपने निष्ठावान लोगों को चुन करके अगर उन्होंने विधानसभाओं में, लोकसभा में और भिन्न भिन्न जगह पर जहां चुनाव होते हैं, अगर वहां पर इस अधिकार का सदुपयोग कर लिया, तो आज से ठीक 40 साल बाद मेरा वंशज इस देश का शासक होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं, बाबा साहेब से बड़ा ज्योतिषी भी मैं किसी को नहीं मानता कि आपको सटीक याद दिलवाता हूँ कि मार्च 1956 में बाबा साहेब ने अपने दिल की बात कही और जून 1995 में, 3 जून 1995 को इस देश में दलित समाज में पैदा हुई, गरीब परिवार में पैदा हुई और जिस जाति को आज तक नीच माना गया, आज भी उसको ठीक निगाह से लोग नहीं देखते हैं, ऐसे परिवार की बेटी उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, मिनी इंडिया की चीफ मिनिस्टर बन गई थी। तो बाबा साहेब की वो भविष्यवाणी उस दिन सिद्ध हो गई, सत्य हो गई। मैं औरों को देखता हूँ, रोड पर बैठे होते हैं, पत्रा लेकर के वो मेरा हाथ दबाते हैं और कहते हैं कि आप अगले जन्म में गवर्नर बनेंगे। वो इस जन्म की बात नहीं करते, लेकिन बाबा साहेब ने तो इसी जन्म की बात कही। और तभी उस दिन बाबा साहेब को जब वोट के अधिकार की बात उन्होंने जीत ली थी, डबल वोट के अधिकार की बात नहीं जीत पाए, परिस्थितियां हालातों से मजबूर हो गए गांधी को जीवन दान देने के बावत, क्योंकि उनकी मिसेज ने ये सारा कुछ किया, उनका बेटा रो पड़ा जा करके, मदन मोहन मालवीय है और लोग, मोतीलाल नेहरू जैसे और भी सारे नेता जब बाबा साहेब को समझाने लगे तो वो मान गए। और जब उनको लोकसभा में ये रूप देखने को मिला कि कुछ कुछ लोग समझने लगे हैं, तब बाबा साहेब को एक दिन हंसी आई और उस हंसी आने पर भी ये लोग नहीं माने, चूके नहीं, मेरे बाबा साहेब को टोक दिया। लेकिन मेरे बाबा साहेब ने सटीक जवाब दिया। कैसा जवाब दिया कि एक बार जब जिन्ना साहब ने ये कहा कि डॉक्टर काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं होती है, तो उस दौरान की परंपरा में वो नेशन की बात कर रहे थे कि जिन्ना साहब को कोई दूसरा नेशन, और इधर हम लोगों को तो ये कहा गया कि माल्टी के लोग हैं, ये तो एक कम्युनिटी है, अछूत लोग एक कम्युनिटी हैं। तो तब उन्होंने सटीक जवाब उनको दिया था कि कहाँ से मुलाकात हो पाएगी, आप एक नेशन हो, मैं एक कम्युनिटी हूँ। तो बाबा साहेब जवाब देने में चूकते नहीं थे, सटीक जवाब दिया करते थे, बुद्धिमत्ता का जवाब दिया करते थे। लेकिन मेरे विद्वान साथियों, मेरे भोले भाले समाज के विद्वान लोगों, आपको बाबा साहेब को याद करना होगा, आपको उनकी मेहनत को याद करना होगा। और जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार का सदुपयोग करना होगा। बाबा साहेब तो ये चाहते थे कि जो लोग वोट के, हमारा जो डबल वोट का राइट है, उस पर जो हमारे कैंडिडेट जीत करके आएंगे तो उन पर हमारा कंट्रोल रहेगा। वो कंट्रोल इन्होंने मिटा दिया कि आज जो एस सी एस टी के लोग चुनाव जीत करके जाते हैं, उनसे आप कहो कि आप हमारी वोट पर जीत करके आए हो, तो वो लोग कहते हैं चलो चलो तुम्हारी वजह से नहीं जीता, मुझे तो और पार्टी ने वोट टिकट दिया है, उन्होंने ही वोट दिया है, आपके वोट से नहीं जीता। लेकिन अगर दोहरी मतदान पद्धति होती तो मेरे जो रिजर्व सीटों से जीते हुए लोग इस तरह का नहीं बोल पाते, उन पर हमारा अधिकार रहता कि वो काम करें समाज का। इसलिए मेरे विद्वान लोगों, बाबा साहेब के
दिए हुए वोट के अधिकार को सदुपयोग करना सीखो। और बाबा साहेब की ज़िंदगी में जब जाओगे, अंतिम क्षणों में जाओगे, तो जो उन्होंने धम्म अपना लिया राजनीति के साथ साथ, तो धम्म में पंचशील की जब बात आई, तो पंचशील के तहत पंचशील का आप चरित्र बना लो, फिर आप लोग वोट भी किसी से सौदा नहीं कर पाओगे। जब आपका चरित्र अच्छा होगा, आप किसी से कुछ मांगोगे नहीं, आपके कोई याचना नहीं होगी, बस उसी से कल्याण हो जाएगा और बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए साथियों, आज जो मैंने ये चर्चा की कि बाबा साहेब को हंसी आई तो थोड़ी हंसी आई, और मुस्कराए तो उन्होंने जवाब यही दिया कि मेरे समाज ने अगर वोट के अधिकार की मेरी की हुई मेहनत को जान लिया और उस मेहनत को पूरा सदुपयोग किया तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे बाबा साहेब के की हुई मेहनत को हमें ज़िंदगी के एक एक क्षण हमें वो मेहनत याद करनी होगी, और उनकी मेहनत को कभी बर्बाद न करने का आपको प्रण भी करना होगा। ऐसी बात कहते हुए मैं इस टॉपिक पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद कि आप मुझे सुनेंगे और परखेंगे और जांचेंगे और जानेंगे और फिर मानेंगे कि हाँ, आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम वोट का सौदा ना करें, वोट का सदुपयोग करें, सौदा ना करें, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद मास्टर साहब आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया कि बाबा साहब को हंसी कब आई। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे विचार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए। वीडियो शेयर कीजिए, अपने अमूल्य कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। जय भीम, जय भारत।